हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मेजर ध्यानचंद। आज हम अपने इस वीडियो में मेजर ध्यानचंद के ऊपर 20 लाइंस करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के महान खिलाड़ी तथा कप्तान थे। नंबर टू, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नंबर थ्री, ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। नंबर फोर, इनके पिता का नाम समेश्वर सिंह तथा माता का नाम श्रद्धा सिंह था। नंबर फाइव, अपने पिता के बार बार ट्रांसफर के चलते ध्यानचंद ने सिर्फ छठी कक्षा तक पढ़ाई की थी। नेक्स्ट देखेंगे अब हम नंबर सिक्स, 1922 से 1926 के बीच ध्यानचंद ने सिर्फ आर्मी हॉकी और रेजिमेंट गेम्स खेले। नंबर सेवन, 1928 के ओलंपिक में ध्यानचंद सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। नंबर एट, ध्यानचंद की गोल करने की क्षमता अद्भुत थी। नंबर नाइन, ध्यानचंद के नेतृत्व में भारत ने हॉकी में 3 गोल्ड मेडल 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में जीते थे। नेक्स्ट देखेंगे अब हम नंबर टेन, ध्यानचंद के नेतृत्व में भारत हॉकी में विश्व में सबसे अच्छी टीम थी। नंबर इलेवन, ध्यानचंद ने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला था। नंबर 12, इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए थे। नंबर 13, 1951 में कैप्टन ध्यानचंद के सम्मान में नेशनल स्टेडियम में ध्यानचंद टूर्नामेंट रखा गया। नंबर 14, 1956 में ध्यानचंद कैप्टन ध्यानचंद आर्मी से मेजर की पोस्ट से रिटायर्ड हो गए। नंबर 15, रिटायरमेंट के बाद ध्यानचंद राजस्थान के माउंट आबू में हॉकी कोच तथा बाद में पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में चीफ हॉकी कोच बने। नंबर 16, 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। नंबर 17, भारत सरकार ने इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नंबर 18, ध्यानचंद को श्रद्धांजलि के रूप में भारत द्वारा उनके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नंबर 19, ध्यानचंद को बचपन में हॉकी में रुचि नहीं थी, परंतु अपने संयम अभ्यास तथा दृढ़ संकल्प से वे महान खिलाड़ी बने। नंबर 20, भारतीय हॉकी खेल में मेजर ध्यानचंद के असाधारण योगदान के लिए इनको हमेशा याद रखा जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको ध्यानचंद के ऊपर ये 20 लाइंस अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।